नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, अगर आपको भी नौकरी या व्यापार में परेशानी हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें। ये छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल देने वाला है। ये छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ आसानी से पा सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भी भगवान शंकर की बीली पत्रों से पूजा करता है और रात में भगवान के मंत्रों का जाप करता है, भगवान शिव उन्हें आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। मित्रों, वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, कृपया करके वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाशिवरात्रि भगवान शिव के भक्तों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का महापर्व है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन से ही मानी जाती है। शिवरात्रि का वर्णन गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर की बीली पत्रों से पूजा करता है और रात में भगवान के मंत्रों का जाप करता है, भगवान शिव उन्हें आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से शिव भक्ति की शक्ति से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो महाशिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर करें ये छोटा सा उपाय। नौकरी या व्यापार में परेशानी हो तो महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर सहज से अभिषेक करना चाहिए। अनार का फूल भी अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर चांदी के पात्र से जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती पत्ये नमः का जाप करें। जाप आपको 108 बार करना है। ऐसा करने पर आपके जीवन में आर्थिक उन्नति होगी। महाशिवरात्रि के दिन जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में आने वाली हर समस्या और हर परेशानी से मुक्ति मिलती है और वो परेशानी दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का दही से रुद्राभिषेक करने से धन की वृद्धि होती है। भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का शहद और घी से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन दिया गया दान, पूजा, विधि कभी विफल नहीं जाता। अगर आप भी अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को अपनी मनपसंद चीज जरूर अर्पित करें। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करें और अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा पाए। हमारी प्रस्तुति यही समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।